नमस्कार, मेरा नाम है रितेश सिंह और आज हम दिल्ली में दिल्ली के लोगों से पूछेंगे कि उनके दिल में क्या है। हाँ तो सर बताइए, अभी दिल्ली में जैसे चुनाव हो रहे हैं तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? देखिए सर, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 5 साल में काम किया है जी। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। मोदी साहब ने अपने लेवल पर काम किए हैं, पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर काम किया है पिछले 5 साल में। स्कूलों की हालत सुधरी है, ठीक है, और छोटे मोटे कई काम किए हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक खोला है और पानी का, बिजली का, वो सब जानते ही हैं काम लोग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनको सेकंड टर्म के लिए चांस मिलना चाहिए। सर आपको नहीं लगता कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर दिल्ली में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पॉलिटिकल इशू बन जाता फिर। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर रहेगी तो वो जो इन्होंने अड़ंगे अड़ाए हैं इन्होंने बीजेपी वालों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, वो कई इशूज़ तो रहेंगे हमेशा। तो पर जिसने काम किया पब्लिक तो उसको देखेगी ना। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ये दिल्ली के नहीं है, दिल्ली के नहीं, इनको नहीं पता। नमस्कार सर। सर अभी दिल्ली में जैसे चुनाव होंगे जी, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। बीजेपी को, हाँ जी सर। तो सर ऐसा कोई मुख्य कारण इसका? मुख्य कारण ये है कि देखिए, केजरीवाल जी जो है ना, जो भी बात बोलते हैं जी, जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो DTC का लेडीज के लिए फ्री किए हैं जी, तो ये एक लुभावना वाली बात होगी ना। काम के बाद जो होती है कि अगर आप किसी पक्ष को लेके काम कर रहे हैं तो सार्वजनिक रूप से काम होना चाहिए जी। आप किसी विशेष को लेके काम कर रहे हैं, यानी कि आप लुभाने के लिए काम कर रहे हैं जी जी, तो यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि पानी की सुविधाएं हैं, आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो पानी अच्छे से नहीं आता है जी। मैं तो प्रॉपर UP का रहने वाला हूँ, बट ये हमेशा रहते हैं दिल्ली में ही। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। सर आप किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। भी मेरे कई देर से वेट कर रहा हूँ, 2 घंटे हो गए। अलग लेवल पे जा रहा है। नमस्कार भाई साहब। अरे सर, नहीं सर, 2 मिनट भाई, नहीं सिर्फ नू, सिर्फ नू यूँ बता दीजिए कि आप दिल्ली में सपोर्ट किसको करेंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को या केजरीवाल जी को? अरे यार देखिए, ये हमारा आपसी मैटर है और ये वोट जो है वो काम पे दिया जाएगा, और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो हम भीड़ तंत्र के हिसाब से तो वोट नहीं देते जी, ठीक है। तो हमने देखा है, हम पुरानी सरकार का डेवलपमेंट और इस सरकार का डेवलपमेंट और आने वाले जो उनके मैनिफेस्टो हैं उनमें क्या, उनका मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो उन चीज़ों को देख के उसके बाद वोट डिसाइडेड होगा। तो इससे पहले बताना तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। बंद कर दो। आपने देखा दिल्ली के लोगों के दिल की बात, इसी तरीके से हम बने रहेंगे, आप बंद देखते रहिए।